सब मीडिया वाला लोग को समझना चाहिए, जितने बिहार के मीडिया लोग हैं इनसे सीखने का काम करें। हम बाबा से मनीष भैया को छुड़वाने के लिए जा रहे हैं। मनीष कश्यप को? उसका जुर्म क्या है? उन्होंने जब वीडियो बनाना चालू किया था उसके पहले बहुत सारे डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बार बार बोलती है कि बिना वेरीफाई किए हुए हम लोग खबरें नहीं चलाते, सबसे ज़्यादा फेक न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही चलाते हैं। गठबंधन के लोग इस भ्रम में हैं कि हम एक मनीष कश्यप को मीसा लगाकर, DIR जैसे कानून लगाकर या फिर NSA लगाकर हम इनकी आवाज़ को दबा देंगे, ये न कभी हुआ है न होगा। जो भी लोग मनीष कश्यप के समर्थन में हैं, जो भी लोग मनीष कश्यप को अपना भाई मानते हैं, हम अपना सम्मान देना चाहते हैं, उस सब कोई 27 तारीख को उनका जो रैली होने वाला है मोतिहारी यहाँ पे भी होने वाला, सबको समर्थन को जरूर। कब होगा मनीष कश्यप के घर वालों का इंतजार खत्म? आखिर कब मनीष को मिलेगी मुकदमों से मुक्ति? इन सवालों का जवाब पूरा बिहार जानना चाहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस को सौंपकर बिहार पुलिस अपने बिहार के लाल को भूल गई है। तभी तो इतने दिनों में एक बार भी बिहार के CM ने मनीष की खबर लेने की जरूरत नहीं समझी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ बबली। दोस्तों, आज हम आपको मनीष की एक नन्ही फैन से मिलाएंगे और दिखाएंगे कि कितने दुख में है वो और कैसे अपने मनीष भैया को छुड़ाने के लिए बागेश्वर बाबा के पास जा रही है। आपको ये भी बताएंगे कि मनीष के भाई करण कश्यप और मां के साथ पूरा बिहार मिलकर कब निकाल रहा है मनीष कश्यप के लिए समर्थन यात्रा। आपको बताएंगे कि एक बार फिर करण कश्यप क्यों नाराज है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और बिहार IT सेल के खिलाफ क्या बोल रहे हैं मनीष के भाई। आपको ये भी दिखाएंगे कि डिजिटल मीडिया के पत्रकारों से करण कश्यप ने क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें तेज प्रताप यादव मनीष कश्यप की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। मनीष कश्यप प्रकरण को लेकर BJP के दिग्गज नेता सुशील कुमार सिंह ने बिहार सरकार पर कैसे हमला बोला है ये भी आपको दिखाएंगे। आपको आज मनीष के घर के क्या हालात है ये भी दिखाएंगे और बिहार में निकलने वाली यात्रा पर क्या कहना है मनीष के समर्थकों का ये भी सुनवाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने इस खास शो के सफर पर। लेकिन इस शो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आप इंडी टाइम्स को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मनीष कश्यप से जुड़े नए प्रोग्राम के नोटिफिकेशन मिल जाए। एक खास बात, इंडी टाइम्स को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सबका सपोर्ट ही हमारे हौसलों को बुलंद देता है। तभी तो हम हर रोज कुछ नया और अच्छा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक नन्ही सी बच्ची और नौजवान नजर आ रहे हैं। बच्ची की आंखों में आंसू हैं और वो रो रही है, बिलबिला रही है। बच्ची के हाथ में आपको बागेश्वर बाबा का एक फोटो भी नजर आ रहा होगा। आप जानते हैं ये बच्ची 6 साल की है और इतना क्यों रो रही है आपको बताएंगे। दरअसल ये मनीष कश्यप को छुड़ाने के लिए रो रही है। ये बच्ची मनीष कश्यप की फैन है और बागेश्वर बाबा के पास जाना चाहती है मनीष कश्यप को छुड़ाने के लिए। अब आप पूरा वीडियो एक बार आवाज के साथ देखिए, तब आपको इस बच्ची के दुख का अंदाजा हो जाएगा। बाबा के पास जा रही है, बागेश्वर बाबा के पास जा रही। कहाँ जा रही थी? हम बाबा से मनीष भैया को छुड़वाने के लिए जा रहे हैं। मनीष कश्यप को? ये लड़की मनीष कश्यप को छुड़ाने के लिए बागेश्वर बाबा के पास जा रही है कि उनसे अर्जी लगाओगी तुम? अरे बाप रे बाप, बच्चा को देखिए, छोटी सी बच्ची बागेश्वर बाबा से मिलने जा रही है ना। तो देखा आपने, ये बच्ची कैसे अपने मनीष भैया के लिए परेशान है। कोई ये वीडियो तेजस्वी यादव को भी दिखा दे, तब शायद उनके दिल में मनीष कश्यप के लिए थोड़ी हमदर्दी जाग जाए। खैर दोस्तों, 27 मई की तारीख को याद कर लीजिए, क्योंकि ये तारीख मनीष के फैंस और सच की आवाज उठाने वाले बिहार के पत्रकारों के लिए काफी खास है। 27 मई को मनीष कश्यप के लिए समर्थन यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। मनीष के भाई, उनकी मां जनता के बीच अपने मुद्दों और समस्याओं को लेकर जाएंगी। देखिए क्या कहना है मनीष कश्यप के छोटे भाई का।
टाइम ये सच्चाई की जीत के लिए हम लोग लड़ रहे हैं लोग, हम लोग किसी से सॉरी हम लोग लड़ नहीं रहे हैं लोग, हम लोग बता रहे हैं कि हाँ जो सच्चाई और बुराई क्या है, लोगों को जागरूक करेंगे कि हाँ एक पत्रकार जो बिहार को अपना माँ, बिहार को अपना पापा, बिहार को सब कुछ मान लिया है, उस पर कैसे NSA लगाया गया है। जो सुबह उठता हो बिहार, शाम को उठता हो बिहार, रात को उठता हो बिहार, गरीब की बात करता हो, शिक्षा की बात करता हो, स्वास्थ्य पे बात करता हो, वो उस पर NSA कैसे लगाया जा सकता है। चलिए इस मामले में तो अब हम लोग 27 तारीख से इस मामले को जनता की अदालत में हम लोग लेके चल रहे हैं, जनता से आशीर्वाद लेने चल रहे हैं और जनता के बीच में समस्या को रखने चल रहे हैं। हालांकि न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है, न्यायालय पर हम लोगों को पूरी उम्मीद है, संविधान पर भी हमें भरोसा है कि संविधान से ही हम लोग को न्याय मिलने वाला है, तो उस पर हमें भरोसा है। लेकिन जनता की अदालत में जनता के समक्ष हम लोग आशीर्वाद लेने इसलिए जा रहे हैं ताकि जनता का समर्थन मिलेगा, उससे हम लोगों को या हम लोगों को क्या पूरे देशवासियों को पता चलेगा कि मनीष कश्यप गलत नहीं था, सही था। और उस जो हम लोग 27 तारीख से जो को जो समर्थन रैली हम लोग निकालने जा रहे हैं उसमें कैसे कैसे उपस्थिति होगी आपकी? जी मैं भी रहूंगा और मेरी माँ भी रहेगी। आपकी माँ भी उपस्थित रहेंगी। जहाँ एक तरफ लोग मनीष के समर्थन में खड़े हैं और उन्हें जेल से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप को लेकर फेक न्यूज भी खूब चल रही है। मनीष ने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों का एक वीडियो पोस्ट किया था जिसे फेक बताते हुए उन पर कार्यवाही की गई, लेकिन मनीष कश्यप को भी लेकर कई तरह की फेक खबरें चलाई जा रही हैं, जिसे लेकर उनके छोटे भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बिहार IT सेल के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, आप खुद सुनिए। उसका जुर्म क्या है? आप तो देखे ही होंगे कि एक वीडियो शेयर करने पे, और शेयर करने में उसमें ये भी है कि आप इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए उनको गवर्नमेंट सॉरी पुलिस प्रशासन को उन्होंने क्वेश्चन किया था। और दूसरी बात है कि उन्होंने जब वीडियो बनाना चालू किया था उसके पहले बहुत सारे डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल न्यूज वालों ने भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बार बार बोलती है कि बिना वेरीफाई किए हुए हम लोग खबरें नहीं चलाते हैं, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही चलाती है। अभी हाल फिलहाल की बात करो तो 5-6 दिन पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उस पर छप गई थी कि 1 साल तक मनीष कश्यप नहीं आ सकता और राज्यपाल इस पर मुहर लगा दी है, जबकि पूरी तरह फेक थी। और राज्यपाल ने खुद इसको इतनी फेक तरीके से वायरल किया जा रहा था कि राज्यपाल ने खुद प्रेस विज्ञप्ति निकाल के इसको इस बात को खंडन किया और बोला भी कि इस पर कार्रवाई भी किया जाएगा। लेकिन 3 दिन तक बिहार IT सेल, बिहार पुलिस IT सेल सोई रही। हमने आपको बताया था कि 27 मई को बिहार में मनीष कश्यप के समर्थन में यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा को लेकर डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को करण कश्यप ने क्या संदेश दिया और कैसे आमंत्रित किया, आप खुद देखिए। एक पत्रकार की लड़ाई नहीं है, हम लोग जो समर्थन रैली निकाल रहे हैं या कुछ भी निकाल रहे हैं तो एक पत्रकार की नहीं है, हम सारे बिहारवासी जितने भी पत्रकार हैं, सारे जितने भी, मैं तो पत्रकार नहीं हूँ लेकिन आप कल होकर आप पे भी आए और आपके परिवार दुख की घड़ी में अकेला रहे, इसलिए हम लोग आज निकाल रहे हैं ताकि कुछ लोगों को लगे कि नहीं पत्रकार का भी कोई संघ है, डिजिटल मीडिया का भी कोई संघ है, ताकि एक पत्रकार अगर अंदर जाता है तो हजारों पत्रकार उसके समर्थन में आ जाए। तो सभी पत्रकार भाई लोग से विनती है, आपकी मतभेद हो या मनभेद हो, कुछ भी हो, इस चीज़ को भुला कर आप अगर आपको लगता है कि मनीष कश्यप सही था और बिहार के लिए काम करता था, गरीबों के लिए काम करता, तो आप जरूर आए और आपका हृदय से हम लोग अभिनंदन करेंगे। आइए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें तेज प्रताप यादव मनीष कश्यप की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। चौंकिए मत, बिल्कुल सच है ये वीडियो, जरा देखिए। एक और सवाल, मैंने आपसे रोजगार पे सवाल पूछा, शिक्षा पे सवाल पूछा, हॉस्पिटल पे सवाल पूछा, कड़वे सवाल पूछा, आपने सारे सवालों का जवाब बाकायदा हंस के दिया, फिर भी मीडिया वाले आपसे डरते क्यों हैं? अब डरते हैं तो मीडिया वाले से आपको सवाल करना चाहिए, ये तुम लोग का क्यों डरते हो जाने से, अब बताइए। 2 मिनट सवाल किया आपसे, बेरोजगारी पे भी सवाल किया, सारे कड़वे सवाल किया। दिस इज योर ड्यूटी, आपका ये वर्क है, हमारा भी जो है जवाब देने का हमको अथी है, समझो। तो सब मीडिया वाला लोग को समझना चाहिए, जितने बिहार के मीडिया लोग हैं इनसे सीखने का काम करें कि किस तरीके से फील्ड पर काम किया जाता है। बिहार और देश के सभी पत्रकारों को मनीष कश्यप से सीखने की जरूरत है।
तेज प्रताप यादव जी आप ही ने ये बात कही थी ना, फिर आपके भाई तेजस्वी यादव क्यों डर गए इतना मनीष कश्यप से, एक पत्रकार से ही दुश्मनी निकालने लग गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, वीडियो पोस्ट करने वाला शख्स का कहना है। वीडियो पुराना है लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि तेज प्रताप यादव बिहार की मीडिया को मनीष कश्यप से कुछ सीखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब वही मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को क्यों चुभ रहे हैं? क्या इसलिए कि उन्हें अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताइए जरूर। दोस्तों अब आपको बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार सिंह से मिलवाते हैं, जिन्होंने मनीष कश्यप प्रकरण को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है। देखिए, गठबंधन के लोग इस भ्रम में हैं कि हम एक मनीष कश्यप को मीसा लगाकर, DIR जैसे कानून लगाकर या फिर NSA लगाकर हम इनकी आवाज़ को दबा देंगे। ये न कभी हुआ है न होगा। बिहार का स्वभाव बहुत अक्खड़ है, बिहारी बहुत अक्खड़ होते हैं। वो किसी बात के लिए जब गलत को बर्दाश्त नहीं करते और सच का साथ छोड़ते नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में हैं और वो कहते हैं युवाओं को कि अगर आंदोलन करोगे तो जेल भेज दिया जाएगा, नौकरी चली जाएगी। इस तरह से कानून का दुरुपयोग करना और किसी की आवाज़ को दबाना ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, लोकतंत्र की हत्या के समान है। मनीष कश्यप से यदि कोई गलती हो गई उस नौजवान से तो जितनी गलती उतनी ही सजा होनी चाहिए थी। और RJD जो एक भ्रष्टाचारी पार्टी का पर्याय है। अब आपको मनीष कश्यप के घर का एक वीडियो दिखाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये उसी पत्रकार का घर है जिसके पास लाखों रुपए होने की बात कही जाती है। देखिए, जाते जाते आपको बिहार में निकलने वाली यात्रा पर क्या कहना है मनीष के समर्थकों का ये भी दिखा देते हैं। देखिए भैया, होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए? एक बात बताओ, एक आप जैसा पत्रकार है मनीष कश्यप, उसको जेल में डाल दिया, उसके ऊपर NSA लगा दिया, उसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया, क्यों भाई? लड़वा रहा, ऐसा को लड़वा नहीं रहा था, वो बिहार की सच्चाई बताता। जो आज जो बिहार जो पिछड़ा हुआ राज्य है ना, किनकी वजह से? नीतीश कुमार और ये तेजस्वी यादव जैसे की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से बिहार आज पिछड़ा हुआ है। बिहार के लोग, बिहार के भाई दिल्ली में क्यों आते हैं कमाने खाने के लिए, वहाँ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वहाँ? जितने लोग भी रैली में शामिल हो गए वो जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसा इंसान है जो हर गरीब और निचला व्यक्ति से लेकर दलित और सामान्य हर कास्ट का जो है वो मुद्दा उठाता है। लेकिन बिहार सरकार उससे डरी हुई है कि कहीं इसकी वजह से हमारा वोट पॉलिटिक्स बिगड़ न जाए। पहली बात तो ये बड़ी अच्छी खबर आपने बताई कि राज्यपाल जी ने ऐसी बात बोली, ठीक है ना। बिहार की जनता को और बिहार के लोगों को मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह सभी, कितने तारीख को निकल रही उनकी, 27 मई को निकल रही है ना, बढ़ चढ़ के सपोर्ट करो मनीष कश्यप को, क्योंकि वो आने वाले टाइम पे तुम्हारे बिहार को उभरता हुआ सूरज है, वो उगता हुआ सूरज है वो। और ऐसी सपोर्ट करो, मैं तो उन माँ बाप को भी कहता हूँ जिस माँ ने रात दिन रो रो के अपनी रातें खराब कर दी, अब मेरी माँ रातें खराब करने का दिन नहीं है, अब दिन आ गया है तुम्हें अच्छे रास्ते पे ले जाने वाला तुम्हारा बेटा मनीष कश्यप। और देख लेना, बिहार में सभी भाई सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले तो बात यह है कि बागेश्वर बाबा ने जहाँ कदम रख दिया वहाँ क्या नहीं होगा, खुशखबरी ही खुशखबरी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब मनीष कश्यप को इंसाफ दिलाने की आग उनके घर वालों से लेकर उनके समर्थकों और बिहार वालों तक पहुंच चुकी है। अब देखना ये है कि 27 मई को होने वाली यात्रा का कितना असर बिहार सरकार और मनीष कश्यप के बाहर निकलने के फैसले पर पड़ेगा। क्या आप भी मनीष कश्यप की समर्थन यात्रा में जाएंगे, हमें कमेंट में बताइए। और इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी आवाज हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है इंडी टाइम्स। पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार।